नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पर अब पार्टी हाईकमान ने काटने शुरू कर दिए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट को हाईकमान के सामने पेश किया था, जिसे हाईकमान ने खारिज कर दिया है और उन्हें कई अहम चुनावी रणनीतियों से भी दरकिनार किया जा चुका है। पंजाब कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पर काटने शुरू कर दिए हैं। ये बातें सिद्धू के बाबा बकाला में एक रैली में मैं शक्तिहीन अध्यक्ष हूँ कहने से पता चलती है। सिद्धू ने पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि मैं सिर्फ एक अध्यक्ष हूँ, मैं महासचिवों की नियुक्ति भी नहीं कर पा रहा। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया को भी सिद्धू ने घेरा और उन पर पंजाब का निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सिद्धू ने कहा कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लेता, दोनों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देता। पार्टी हाईकमान ने हाल ही में सिद्धू की ओर से पेश की गई 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट को खारिज कर दिया था। सिद्धू चाहते थे कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष सुनील झाकर की ओर से नियुक्त 22 जिला अध्यक्षों को हटाया जाए और उनकी सौंपी लिस्ट के लोगों को नियुक्त किया जाए। हालांकि सिद्धू को कई चुनावी समितियों से नजरअंदाज करने के बाद पार्टी ने 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। सूत्र बता रहे हैं कि इन जिला अध्यक्षों को सिद्धू से बिना सलाह के नियुक्त किया गया है। पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने मंगलवार को लिस्ट जारी की थी और जिला अध्यक्षों से तुरंत काम शुरू करने को कहा था। इन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ तालमेल बनाकर काम करने को भी कहा गया है। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने जिस तरह से पुराने जिला अध्यक्षों को हटा दिया था उससे सुनील झाकर खुश नहीं थे। झाकर ने इस मसले को राहुल गांधी के सामने उठाया था। सूत्रों ने बताया कि झाकर ने राहुल गांधी को बताया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले से पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। झाकर ने अपनी नाराजगी को इस ट्वीट के जरिए भी जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था कि तुम्हारा बंदर तुम्हारा सर्कस, मैं इस कहावत को मानता हूँ। दूसरे के शो में मैं ना ही सुझाव देता हूँ और ना ही दखल देता हूँ। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।